जगह पर एक 60 में हो रहा है, एक 70 में हो रहा है। हमारे पास जो इंजन होते हैं वो प्रॉपर कस्टम पेड इंजन होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं, मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। फाइनली जी, अभी इस वक्त मैं गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा हूँ और जनाब अली मिल गई। सो फाइनली हमारा एक अल्टो का प्रोजेक्ट जो कि अभी पूरा कम्प्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी चीज़ें सारी हो गई हैं और अभी हम गाड़ी ओनर को देंगे, फिर ईद के बाद इंशाल्लाह फिर वो हमारे पास वापस आएंगे। तो इसमें दो से तीन एक छोटे छोटे काम हैं जो कि वो फिर हम करेंगे इंशाल्लाह। गाड़ी दिखाता हूँ आपको, बड़े अच्छी गाड़ी है, आपको पसंद आएगी। कम बजट में इस वक्त आपको पता ही है पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता, तो अगर आपका बजट कम है तो आप भी इसी तरह की गाड़ी अपने लिए बना सकते हैं, फैमिली के लिए बना सकते हैं। तो गाड़ी दिखाने से पहले आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। सो ये जी एक अदद अल्टो VXR जो कि आपको बाहर से बिल्कुल स्टॉक नज़र आ रही होगी, इसको हमने बाहर से कंप्लीट पेंट भी किया है और अभी इस वक्त कंपाउंड पॉलिशिंग इसमें रहती है, कट कंपाउंड वगैरह रहता है, तो वो हम ईद के बाद करेंगे। एक काम इसमें यह है और एक काम गाड़ी की टोटल डिटेलिंग होने वाली है, कंप्लीट इन आउट डिटेलिंग होने वाली है, तो वो हम करेंगे। अब गाड़ी के अंदर हमने किया क्या क्या है वो सारा कुछ दिखाऊंगा। एक तो हो गया गाड़ी का सारा डेंट पेंट हमने किया है, उसके बाद हमने जो जैपनीज़ JDM वर्जन के गत्ते हैं ये पावर विंडोज़ के वो लगाए हैं, उसके बाद डैशबोर्ड जैपनीज़ लगाया है, पावर स्टेयरिंग हो गया जैपनीज़, इसके अलावा जी सीट्स की पोशिंग हमने की है, ये आप देख रहे होंगे बेहतरीन जो कम्फर्टेबल पोशिंग है वो हो गई। इसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम ये हमने लगाया गाड़ी के अंदर, और ये जो आप गत्ते वगैरह देख रहे होंगे ये सारे आते हैं आप ग्रे कलर के, लेकिन ये हमने सारे चेंज कर दिए सारी पूरी गाड़ी के, ये पूरे हो गए हैं जनाब अली ब्लैक। और इंजन बे जो है वो आपको दिखाते हैं, अभी गाड़ी गंदी है इस वजह से आपको इसकी फिनिशिंग अभी रहती है, डिटेलिंग वगैरह रहती है, तो इसके ऊपर मैं फिर पूरा एक व्लॉग बनाऊँगा इंशाल्लाह जब गाड़ी हमारे पास दोबारा आएगी, और हम फिर दोबारा आपको जब ये फिनिशिंग में आ जाएगी इंशाल्लाह गाड़ी तो मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉग। लेकिन अभी है कि अभी के लिए आपको मैं जो जो चीज़ें हमने अभी फ़िलहाल की हुई हैं तो वो सारी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। एसी इसका ऑन किया है हमने, इसके अलावा जी 660 सीसी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, 5 फॉरवर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हमने इसके अंदर इंजन इंस्टॉल किया है, सो वो लगाया हुआ है गाड़ी के अंदर। और बाकी ये है कि इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, ये कुछ जो सारे काम हैं ये हमने गाड़ी के किए हैं। और गाड़ी ये है कि माशाल्लाह स्मूथ है, RPM मीटर इसमें इंस्टॉल किया हमने। ज़्यादातर लोग अगर आपको मैनुअल करके देंगे तो मीटर अल्टो में नहीं चेंज करेंगे, मीटर इसमें मैनुअल हमने विद RPM जो है वो इंस्टॉल किया। जी गाड़ी स्टार्ट होगी और AC भी आपको दिखाते हैं। डैशबोर्ड ये पूरा जनाब उसका JDM वर्जन का SRS एयर बैग्स के साथ। जी AC भी स्टार्ट हो गया है और अभी गाड़ी खैर गंदी भी है तो अभी इसको वॉश वगैरह करेंगे देने से पहले गाड़ी को, लेकिन ये कि गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन है, स्मूथ है, पावर स्टीयरिंग हो गया गाड़ी का और बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको मैंने बता दी हैं। इस वक्त जो है वो जो पार्ट्स वगैरह अक्सर भाई आप में से बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं, यार आप लोग हमें प्राइस नहीं बताते, आप लोग प्राइस नहीं बताते, तो सीन आपको आज मैं आपको सारी प्राइस की स्टोरी बताऊंगा कि भाई मैं प्राइस क्यों नहीं बताता, और इस व्लॉग में आपको मैं प्राइस भी बता दूंगा ताकि आपका ये जो प्राइस वाली जो वो है आपका गिला होता है तो वो भी दूर हो जाए। होता क्या है कि अब जैसे आज की डेट में मैंने आपको प्राइस बताई कि भाई पावर विंडोज़ के ये हैं, डैशबोर्ड के ये हैं, इंजन के ये हैं, ये सारा कुछ। अब वो होता क्या है कि ये रेट सेम नहीं रहते, ये एक जैसे नहीं रहते, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते रहते हैं, और कुछ लोग
माइंड में ये रखा होता है, कुछ दो साल पहले गया होता है मार्केट, तो उसने जो रेट लिया था, फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड है उसका दो साल पहले का रेट था 15,000 रुपये या 18,000 रुपये या 20,000 रुपये जो भी था। तो अब जब हम अभी आपको वीडियो में बताएंगे कि यार ये इतने का है, तो वो भाई कहेंगे कि भाई ये तो इतने का मिलता है, इतना सस्ता होता है। अब आपने दो साल पहले रेट लिया है, साल पहले रेट लिया है, 6 महीने पहले रेट लिया, तो उसका तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जो इस वक्त का इस दिन की का रेट होगा उस हिसाब से बात होगी। बहरहाल अच्छा, इंजन का जो पैकेज है, इंजन के पैकेज में आपको मैं बता देता हूँ कि हम क्या ले रहे हैं इस वक्त, और इसके अलावा उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। देखें, अगर आपका इंजन है ऑटो का, अगर आपके पास एक अल्टो है, एक अदद अल्टो है, और उसके ऊपर आपने एक्सपेंस करना है इंजन का, तो इंजन आप मेरे पास जब गाड़ी लेके आते हैं तो आपको पता ही है कि यार हमारे काम का जो मायार है वो कैसा है जी। तो जो इंजन का पैकेज है इसमें हम दे रहे हैं, अगर ऑटो का है, फॉर एग्जांपल आपके पास अल्टो है और उसको आप ऑटो करवाना चाह रहे हैं, तो हम उसमें दे रहे हैं 2,25,000 रुपये का पैकेज है पूरा, ठीक है। उसके अंदर इंजन गियर, कंप्यूटर वायरिंग, ठीक है, उसके बाद लीवर, उसका कंसोल हो गया प्रॉपर, ठीक है, इसके अलावा पैडल हो गया नीचे का ऑटो वाला, फ्यूल पम्प हो गया, उसके अलावा रेडिएटर हो गया, रेडिएटर चेंज होगा, ठीक है, उसके अलावा एक्सेल्स हो गए जो कि चेंज होंगे, घोड़े जिसको कहते हैं, उसके अलावा हमारी जो लेबर्स हैं, इलेक्ट्रिकल लेबर, मैकेनिकल लेबर, सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। इंजन ऑयल, गियर ऑयल, मीटर हो गया, ये सारी चीज़ें A to Z इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा कैटलिटिक कन्वर्टर जो है वो हम पहले नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब हमने पैकेज में वो भी शामिल कर दिया कि यार 2,25,000 रुपये में विद कैटलिटिक आपको गाड़ी रेडी मिलेगी। और अल्टो अगर है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम लेते थे अल्टो के ऊपर 6 से 7 दिन, अल्टो ये है कि तकरीबन आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर गाड़ी मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर महरान है तो महरान के ऊपर हम ये सारी चीज़ें चेंज करते हैं। एक और चीज़ उसमें ऐड अप हो जाती है, उसमें टैंकी जो है पूरी EFI वाली हम चेंज करते हैं, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 18 से 20,000 रुपये की है इस वक्त मार्केट में। तो और महरान हम विदाउट कैटलेटिक लगाते हैं 2,20,000 रुपये का, ठीक है, उसमें कैटलेटिक कन्वर्टर नहीं इंस्टॉल हो सकता, तो टैंकी चेंज होगी उसमें, तो वो आपकी 2,20,000 रुपये का पैकेज है ये पूरा। इसके अंदर हम सारी आपकी, फॉर एग्जांपल आपने जब मुझे गाड़ी दी थी जिस तरीके से, जिस शेप में, साफ़ सुथरी, उसी तरह ही आपको मिलेगी। 1 महीने की आपको वारंटी मिलेगी। कोई छोटा मोटा मसला आता है आप मेरे पास लेके आए, लीकेज का मसला आता है आप मेरे पास लेके आए, आपका जो इशू होगा आप 30 डेज़ के अंदर मेरे पास लेके आए, मैं आपको करके दूँगा, ठीक है। और अगर एक अलग केस है कि अगर आपने उसमें ख़ुद पानी नहीं चेक किया या कुछ नहीं किया, पानी पूरा नहीं किया, या फॉर एग्जांपल इस तरह आपसे हीटअप हो गई, तो वो चीज़ क्योंकि बायर भी गारंटी में शामिल नहीं होती। और इसके अलावा अगर ऑयल कम कर रहा है या धुआं दे रहा है, या अगर इस तरह के छोटे मोटे लीकेज वगैरह के मसले मसाइल हैं, तो वो आप मेरे पास लेके आ सकते हैं, वो हम आपको करके देंगे। तो ये आपका हो गया इंजन का पैकेज। इसके अलावा पावर स्टीयरिंग जो है वो हम 15,000 रुपये का EPS जो है वो लगा के दे रहे हैं स्पीड सेंसर किट के साथ, मोटर होती है 15,000 रुपये की। और अच्छा, AC के जो मामलात हैं, इंजन के पैकेज में आपको हम कंप्रेसर इंजन के साथ देंगे। उसके अलावा जो गैस होगी, पाइपिंग जो बन्नी वगैरह होती हैं, वो सारा कुछ आपका इसके अंदर शामिल नहीं है, वो सेपरेट होता है। वो बहुत सारे भाई ये पूछ रहे होते हैं यार इंजन के पैकेज में पावर विंडो भी है, पावर स्टीयरिंग भी है, क्या कहते हैं इसका, AC भी है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती इंजन के पैकेज में, इंजन का सारा सामान होता है। ये आज का रेट है, ठीक है, इससे अब आगे चल के कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, वो खैर मार्केट के हिसाब से चलता है सारा कुछ, ठीक है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। और ये हो गई सारी इस वक्त अल्टो, ठीक है, अब इसको कंपाउंड पॉलिशिंग होगी, पेंट शेंट का काम होगा सारा, तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास हो जाएगी। ये है सारा सीन। अब आप में से कुछ भाई होंगे वो कह रहे होंगे यार आप लोग 2,25,000 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, ये तो फलानी जगह पर 1,60 में हो रहा है, 1,70 में हो रहा है। भाईजान, वहाँ पर जो 1,60-1,70 में हो रहा है, उधर का काम भी हमें पता है। वहाँ पर मैं, हमारे पास जो इंजन होते हैं वो प्रॉपर कस्टम पेड इंजन होते हैं, उसमें स्मगल्ड शुदा इंजन हैं, जैसे कि आपको पहले भी मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि कुछ आते हैं चमन बॉर्डर से आते हैं, कुछ आते हैं तुरखम बॉर्डर से आते हैं, तो वो रेट में सस्ते हैं। अगर आपको कोई बंदा वो लगा के दे रहे तो उसका मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा अगर आपको वो सिविल इंजन लगा रहा है, सिविल इंजन मतलब कि ये जो गाड़ी का इंजन है ये पहले इधर किसी गाड़ी में लगा हुआ था, उसमें से वो उतरा था, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में ये गेम भी चल रही है,
कि वो असम्बली किसी इसी तरह की सिविल असम्बली होती है, वो उसमें शीलें वगैरह डाल के गियर अगर इस तरह का कोई फॉल्टी गियर होता है उसको रिपेयर करके जोड़ के वो उनको वापसी के जो इंजन होते हैं या गियर होते हैं तो वो उनको बड़ा सस्ता पड़ा होता है तो वो लगा के आपको देते हैं। तो वो अगर रेट आपसे 160-170 ले रहे हैं तो वो आपसे 150-160 में अगर मैं आपसे जो कमा रहा हूँ उसके डबल ट्रिपल वो कमा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर ये सीन है कि प्रॉपर एक वर्कशॉप है कन्वर्जन के लिए। आप इधर आपको इशू आता है आप आ सकते हैं, जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पर मौजूद हैं उनको गाइड करने के लिए, उनको उनका काम करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे पूरी तरह सेटिस्फाई होके चले जाते हैं। एक गाड़ी के अंदर जब वो खुलती है जुड़ती है तो उसमें छोटे मोटे जो भी मसले मसाइल आते हैं, अब लेट से ये देखें एफएक्स अभी इस वक्त हो रही है, इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, सारा कुछ हमने इसके क्लिप्स वगैरह सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग हमने नया लगा दिया है। ये छोटी मोटी इसके अंदर जो क्लिप्स होते हैं फाउंडेशन होते हैं ये इसके पैसे भी मैं आपसे नहीं लेता, जो भी स्पेयर पार्ट का बिल होता है वो भी उसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। अगर आपके फाउंडेशन टूटे हुए हैं वो पहली दफ़ा उसी के अंदर शामिल होंगे, इंजन ऑयल गियर है वो भी पहली दफ़ा उसी में शामिल होगा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके कस्टम पेड इंजन है उसको सारा कुछ करके फिर हमारी लेबर्स हो गई, बहुत सारी इसमें चीज़ें हो गई, मीटर हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो आपको कहते हैं यार मीटर हम नहीं लगाएंगे, मीटर आप मीटर वाले बंदे से लगाएं, ऑयल आप लेके आएँ और इसके अलावा स्पेयर पार्ट का बिल आप दे दें, तो वह मिलते जुलते बात फिर उधर ही चली जाती है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो इंजन गियर है कि वो आपको इंजन गियर कैसा लगा के दे रहा है और वो किस तरीके से लगा के दे रहा है, वायरिंग कैसी कर रहा है, ये सारी इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग जो है वो ज़रूरी है। बहरहाल आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, और मुझे दें इजाज़त, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।